के प्रति सभी हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय लालू प्रसाद यादव जी और हम सभी माननीय विधायकगण यहाँ के, रूमा भारती जी, जिला अध्यक्ष जी, सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। उन लोग हमारे नेताओं को भी काफ़ी तकलीफ है, इसके बारे में उन्होंने विस्तार पूर्वक हम लोगों से जाना और उन्होंने खेद व्यक्त करते हुए यहाँ के SP और जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उसको भी फ़ोन किया और प्रदेश में विधानसभा में उस पर बातें उठी। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जब तक जो जिनके साथ घटना घटी उनके परिजनों को न्याय नहीं मिल जाता तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। और जो वर्तमान सरकार की जो व्यवस्था है जिसमें भ्रष्टाचार की वजह से ही नहीं दुर्भावना की वजह से भी जो गरीब लोग शिकार बन रहे हैं उसके खिलाफ हमारी मुहिम चलती रही। यह बहुत दुखद घटना है और हम कहना चाहते हैं प्रशासन के लोगों को कि ईमानदारी से और निष्पक्षता के साथ इसकी जांच करें, जो दूध का दूध पानी का पानी करें और एक भी अपराधी बचेगा इसमें शामिल तो शायद हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। सबसे पहले तो ना ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है, कहना नहीं चाहिए लेकिन मटन मछली और बीफ से ज़्यादा इंसान की जान सस्ती हो गई है इस सुशासन की सरकार में। जो सुशासन का सरकार नीतीश कुमार जी करते हैं, क्या इस परिवार की आंखों में आंखें डाल के कह सकते हैं कि ये सुशासन की सरकार है? या जहाँ कहीं भी इस तरह की घटना घट रही है क्या वो वहाँ जाके कह सकते हैं कि उनकी सरकार सुशासन की सरकार है? घटना की अपराधियों की जानकारी दिए जाने के बाद भी 4 दिनों तक अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाता है जब तक वीडियो वायरल नहीं हो जाता है। तो क्या इस सुशासन की सरकार में भी अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए किसी वीडियो का वायरल करना ज़रूरी है? बिना वीडियो वायरल किए हुए हम अपने आप को बेगुनाह नहीं कर पाएंगे और जहाँ वीडियो ना बने तो वहाँ तो गुनाहगार बन के रह जाएंगे। मतलब इंसाफ मिलेगा इसका तो विचार ही छोड़ दीजिए। सबूत रहने के बाद ये हाल है तो ये सरकार ये है कि हाईकोर्ट की फटकार के बिना इनको समझ में नहीं आता है कि वो गलत कर रहे हैं। अब बिना वीडियो जहाँ जहाँ वीडियो वायरल नहीं होगी उनके हिसाब से वहाँ पर कोई कांड या कोई घटना घटी ही नहीं है। ये सरकार है उनको अब जागने की ज़रूरत है और आप लोग सबको जागने की ज़रूरत है जो घट रहे। भूल में मत रहिए कि किसी सुशासन की सरकार में है। कहाँ है स्पीडी ट्रायल? क्या इस घटना में स्पीडी ट्रायल नहीं होना चाहिए था? क्या उसी दिन गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी? क्यों जब तक दबाव नहीं बनेगा तब तक कुछ नहीं, इनके कान में कुछ नहीं जुड़ी रेंगती है। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन, क्या मांग? सबसे पहले तो स्पीडी ट्रायल, ताकि जो अभी यहाँ पर तो एक अच्छा चलन चल गया है अपराधी के, अगर दबाव है तो पकड़ लो और पीछे से छोड़ दो। जब तक स्पीडी ट्रायल नहीं होगा, जब तक उनका गुनाह अगर साबित होता है तो सजा मिलेगी, वो सही सजा होगी, ताकि दूसरे लोग डरे। इंसानियत के नाते ही सरकार बनना नहीं बनना बात की बात है, जो गुनाहगार है उसको सजा तो मिलनी चाहिए ताकि दूसरे लोग जो हैं वो बेखौफ ना हो जाएं। यहाँ तो आम इंसान डरा हुआ है और अपराधी बेखौफ है कि सरकार का संरक्षण है, जीत ही जाएंगे, परिवार को मुआवजा मिले, कोई सरकारी नौकरी मिले। कहाँ ये घोषणाएँ? जब चुनावी चीज़ें होती हैं तो ऐसी घोषणाएं तुरंत उभर उभर के आती हैं। क्या ये परिवार, 4 साल का सबसे बड़ा बेटा है, उससे छोटा बच्चा और एक बच्चा गोद में है, 23 साल की उम्र में महिला विधवा हो गई है, कैसे चलेगा परिवार? कहाँ है इनकी योजनाएं? सरकारी नौकरी की घोषणा ये दें परिवार को, 25 लाख कम से कम मुआवजा दें, स्पीडी ट्रायल हो और जो जो गुनाहगार है उसको सजा मिले।